सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए जिले इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर के गैर कानूनी व्हाइट हाउस की दीवारें मिसमार, क्रेनों, हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोखर पैलेस को गिराया गया। पैलेस में मौजूद गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद भट्ट की जेर निगरानी किया गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग, व्हाइट हाउस का एक और केस बेनकाब। पहले पास नक्शा, फिर मनसूख नक्शा और अब एलडीए का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 किनाल पर मोहित खोखर पैलेस की सिर्फ 9 किनाल अराजी मंजूरी ली गई। शफी खोखर, अफजल खोखर और सैफ खोखर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार एलडीए के साबिक डायरेक्टर राय अशरफ ने नक्शे पास किए। लोगों की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम लेगी एमपीए अफजल खोखर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार। अफजल खोखर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर की मदियत में दर्ज किया गया। कई साल कबल तारिक महमूद नामी शख्स ने 34 मरला जमीन खरीदी थी। अब इस जगह पर खोखर पैलेस बन चुका है। FIR का मतन, तमाम जायदादें कानूनी है, कोई कब्जा नहीं किया। सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे इस पर खुदा का खौफ नहीं आया। इंसाफ भी होगा और फाये भी इसी अदालत से लगोगे। चीफ जस्टिस का शफी खोखर से मुकालमा, DG एंटी करप्शन को शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म। अफजल खोखर की जमीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 2 दिन में जवाब तलब। बोर्ड मेंबरान की तकरारी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से अज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म। जो वाजे और साफ डिग्रियां फराहम ना करें इसे फारिग कर दें चीफ जस्टिस। बहुत से पायलट्स और कैबिन क्रू की फराहम करदा डिग्रियां पढ़े जाने के काबिल नहीं। वकील सवी एवेलेशन। घरेलू मुलाजिमा दो बहनों पर तशद्दुद का केस। साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और सायमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का मौकफ। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हसार में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं कारकुनान कायद से इजहार यकजहती के लिए जेल के बाहर पहुंचे। खूब नारेबाजी, पुलिस के साथ धक्कमपेल। गेट पर लगे बैरियर्स को हटाने की कोशिश। नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरिकों में होंगे। पुलिस ने पुरअमन कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। परवेज मलिक का इल्जाम, कारकुनों ने जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत। बैरिक में टीवी, अखबार, मैट्रेस, 3 कुर्सियों के साथ मेज दस्तयाब। घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का टीवी मुआयना, डॉक्टरों ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। बैरिक नंबर 1 में मुंतकिल जुल्फिकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरिक में जेल काट चुके। बेटी की वालिद से मुलाकात। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आई। मुलाकात जेल हुकाम की निगरानी में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही महकमा दाखला। आमदन से जायद असासाजात और साफ पानी कंपनी स्कैंडल केस। हमजा शहबाज को कल नैब लाहौर ने तलब कर लिया। हमजा शहबाज नैब टीम के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगे। Thank you.
गवर्नर हाउस में यौम कायद और क्रिसमस के हवाले से खसूसी तकरीब, गवर्नर, वजीर आला और सूबाई वज़रा की शिरकत, मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब बोले, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जहां सबको हुकूक मिले, नए पाकिस्तान में हमने इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। नून लीग की जानिब से मॉडल टाउन सेक्रेटरिएट में कार्ड डे पर केक काटने की तकरीब, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, चौधरी शहबाज और डिप्टी मेयर्स की शिरकत। सीसीपीओ ऑफिस में भी कायद डे पर केक काटने की तकरीब हुई। जिना अस्पताल के डॉक्टरों ने कायद आजम की यौम पैदाइश पर केक काटा। क्रिसमस आलमी मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार, बरकी कुमकुमों से सजे घर और जगमगाते क्रिसमस ट्री, कहीं तोहफों के ढेर तो कहीं लजीज खाने और केक। मसीही बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। फैसला हुई उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। बिछड़ा है जो एक बार तुम मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। खुशबुओं मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उर्दू जुबान और अदब से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। कुछ ओंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तोक विसी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शोक भी सी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। जज्बों के शायर मुनीर नियाजी की आज 12वीं बरसी। अदब के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाले उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाजी को हमसे बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। इनके अशार की महक आज भी फजा को मुअत्तर किए हुए है। आइसक्रीम के शौकीन अफराद खबरदार होशियार, आवाम को ठंडे और मीठे के नाम पर जहर खिलाया जाने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे, 34,368 लीटर फिलशुदा आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स मार्केट से हटवा दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, आइसक्रीम में गंदे पानी, जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए। मुजर सेहत खुराक बेचने वालों की पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं। और 27वें कौमी रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जिमनेजियम हॉल में शुरू। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल और वजीर खेल राय तैमूर ने इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों की कौमी परचम थामे परफॉर्मेंस।